दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी तरह चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में भी यहाँ के सबसे बड़े रावण को जलाया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की है, चलिए हम आपको यहाँ की थोड़ी झलकियाँ दिखाते हैं। मैडम, नो डाउट कि हमारा जो हर साल से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल थोड़ी सी मुश्किलें आई जब बरसात हुई परसों, और उस बरसात में थोड़ा सा रावण डैमेज भी हुआ, उसके बाद फिर हमने दोबारा उसको ठीक कर लिया, और उसकी बरसात की वजह से हमारा जो रावण 83 फुट दाना था, 2 फुट नीचे धस गया, वो 81 फुट रह गया, लेकिन उसके बाद सब कुछ हमने मैनेज कर लिया, कोई मुश्किल नहीं। ये प्रभु राम का काम है, प्रभु राम के आशीर्वाद से बाकी सब कुछ ठीक हो गया। वो लोग बड़े उत्साह से, आपने देखा कितने उत्साह से देख रहे हैं लोग, कैसे छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये लोगों का उत्साह है। ये मैडम, हम लगभग इसकी तैयारी के लिए हम 20-25 दिन से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे कई साथी जिन्होंने 15-15, 20-20 दिन से लगातार कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ और लोगों का भी धन्यवादी हूँ जिन लोगों ने इतना प्यार और उत्साह जहाँ आगे दिखाया है। और मैं अपनी तरफ से और दशहरा कमेटी की तरफ से सभी प्रभु भक्तों के उनके परिवारों के लिए दशहरे की शुभकामनाएं। का विदाई से उनका विसर्जन किया गया, तो दूसरी तरफ रावण को जलाया भी गया, जहाँ पे हमें लेजर शो के द्वारा यहाँ पे रामायण की पूरी कथा दिखाई गई। वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस ने यहाँ पे अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ भी दी, लेकिन फेस्टिवल्स का यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। आगे दिवाली और करवा चौथ के द्वारा हम आपको फिर से यहाँ पे सारी सेलिब्रेशंस दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ प्रीति सिंह, डेनाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।